जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा देखा था कि अब जेआरएफ की तरह नेट में भी फेलोशिप मिलेगा। अब तक क्या था कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद जब हम पीएचडी करते थे तो हमें एक फेलोशिप अमाउंट मिलता था लगभग 40-45 लाख रुपए के आसपास का, ठीक है, 40 लाख के आसपास का मिलता था। लेकिन अब हम नेट क्वालिफाई करके फिर पीएचडी करेंगे तो भी हमें फेलोशिप मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी कैंडिडेटों के लिए, एक राहत का काम है जिनका नेट क्वालिफाई है और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, नेट करके उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो अब उनको फेलोशिप मिलने वाली है। आप हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, हायर एजुकेशन के संबंध में कोई नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है, कोई नया अपडेट आता है, तो उन सभी से आप बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैंने ये न्यूज़पेपर की कटिंग ली है और बिहार का न्यूज़पेपर है ये। बिहार के नेट उत्तीर्ण रिसर्च स्कॉलर को शोध के लिए शिक्षा विभाग वित्तीय मदद या स्कॉलरशिप देने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग यह तैयारी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा विभाग की मंशा है कि उच्च शिक्षा में रिसर्च फोकस पर रहे। दरअसल बिहार सरकार की मंशा है कि बिहार में शोध उन विषयों या टॉपिक से जुड़े हों जिनसे बिहार की मानविकी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो, साथ ही स्थानीय समाज में वैज्ञानिक नज़रिया विकसित हो। अब देखो, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये तो ओनली बिहार का है। जब देखो कोई भी एक स्टेट कोई भी प्लान बना लेता है ना, तो फिर वो अपने आप सभी के सभी पूरे पूरे स्टेटों में फैल जाता है। ये यदि प्लान बिहार बना लेगा, बिहार में यदि नेट वालों को स्कॉलरशिप देना चालू कर दी जाएगी तो बिल्कुल 100% है कुछ ही टाइम बाद में अदर स्टेटों में भी ये स्कीम लागू हो जाएगी और जल्दी बिल्कुल फुल स्पीड से कुछ ही समय में ये पूरे भारत के सभी स्टेटों में लागू हो जाएगी। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद के शैक्षणिक सलाहकार डॉक्टर एन के अग्रवाल ने बताया, दरअसल जेआरएफ परीक्षा पास कर चुके रिसर्च स्कॉलर को यूजीसी फंड मुहैया कराता है, वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नेट क्वालिफाई को स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए शिक्षा विभाग नेट क्वालिफाई पर फोकस कर रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग रिसर्च स्कॉलर को कुछ वित्तीय मदद मुहैया कराने के संदर्भ में एक योजना तैयार कर रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक बिहार में विभिन्न विषयों में सालाना करीब 1200 से 1300 लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक नेट उत्तीर्ण होते हैं। इसमें जो भी नेट स्कॉलर रिसर्च करना चाहते हैं उन्हें बिहार से संबंधित अहम मुद्दों पर शोध करने के लिए टॉपिक सुझाए जा सकते हैं और इस तरह समाज उपयोग रिसर्च को बढ़ावा देने की मंशा के मद्देनज़र रिसर्च को बढ़ावा देने विभाग कदम उठाने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही गजब की खुशखबरी निकल के आई है कि अब नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी स्कॉलरशिप देने की प्लानिंग चल रही है। अब देखो प्यारे साथियों, हमारा एग्जाम के बारे में मैं अपडेट देता हूँ। देखो अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक अनुमान है जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट में हमारा नेट का पेपर हो जाएगा। अभी हमारे पास फिलहाल 45 दिन का टाइम बचा हुआ है और इस 45 दिन के टाइम को आप सही ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हो। आपका स्कोर यदि फिलहाल में सपोज डेट 40 नंबर आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में और इनको आप 70 नंबर या 80 नंबर तक पहुंचाना चाह रहे हो, फिलहाल में आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इनको आप 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चनों तक पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मैं अजय कुमार शर्मा, जो ग्रुप से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़कर क्रैश कोर्स के माध्यम से फर्स्ट पेपर को बहुत गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि फर्स्ट पेपर की वजह से जो आपका जेआरएफ रुक जाता है, फर्स्ट पेपर की वजह से जो आपका नेट रुक जाता है, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, 7891350470। इन कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे यहाँ पर ज्योग्राफी का भी क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। जो मेरा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है उसका सबसे मेन टारगेट है कि किसी भी तरीके से आपके कितने 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, और वहीं फर्स्ट पेपर का टारगेट है कि आपके किसी भी तरीके से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। तो यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, ज्योग्राफी में आप 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में आप
40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कॉन्टैक्ट करके और आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और जो 40 से 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें अच्छी स्मार्ट स्टडी करके, अच्छा स्मार्ट कंटेंट पढ़ के आप GRF क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा नेट क्वालिफाई करने का ना तो खुद का सपना रहा कभी, और ना ही मैं किसी को गाइड करता कि आप नेट क्वालिफाई करने का सपना बनाओ। सपना बनाओ GRF का, क्योंकि वहां पर आपको 40 से 45 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, GRF क्वालिफाई करने के सपने को पूरा कर सकते हो। साथ ही साथ देखो प्यारे साथियों, एक छोटी सी खबर और दे देता हूं मैं, नेट GRF के फर्स्ट पेपर की एक बहुत ही शानदार बुक आई है मार्केट में। अब तक टॉप लेवल की बुक थी KVS मदान, लेकिन अब एक बुक आ चुकी है जिसने KVS मदान को भी फेल कर दिया है। मैंने खुद ने वो बुक पढ़ी है और बहुत सारा मैंने बहुत अच्छे से उसका फीडबैक लिया है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने उस बुक का बहुत ही शानदार वाला फीडबैक दिया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस बुक का लिंक डाल दिया। श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, नेट GRF के फर्स्ट पेपर की है। देखो कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रही है बिल्कुल और बुकों की तरह, लेकिन इस बुक में सबसे खास बात यह है कि ये जो बुक है ना, 2020 और 2021 इनका जो पेपर पैटर्न था, 2020-2021 का जो पेपर लेवल था, उस पेपर लेवल को भी इस बुक ने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो आप इस बुक को जरूर परचेज करें यदि आपका सपना है GRF क्वालिफाई करना, आपका सपना है नेट क्वालिफाई करना, ठीक है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक को परचेज करने के लिए अमेजन फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है। मात्र लगभग 50 से 60 दिन में ये बुक की लगभग 3000 प्लस कॉपियां निकल चुकी हैं। तो अब आप देर ना करें, इस बुक को तुरंत परचेज करके और अपनी तैयारी को बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं, अपनी तैयारी को अच्छी बहुत ही मजबूत बनाएं, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो एक तरीके से फर्स्ट पेपर का रामबाण कह सकता हूं मैं इसको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।